आइए आपको लेकर चलते हैं एक डिजिटल जादुई दुनिया में, यानी डेटा सेंटर पार्क ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क 5 में बने इस डेटा सेंटर को हीरा नंदानी ग्रुप ने बनाया है। इस डेटा सेंटर के निर्माण पर कुल करीब 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इससे हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। ये डेटा सेंटर इतना बड़ा है कि इसमें देश का 60% डेटा सुरक्षित रहेगा। इस डेटा सेंटर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के करोड़ों यूजर्स का डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बैंकिंग, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाओं, यात्रा और आधार से जुड़ा डेटा भी यहां सुरक्षित रहेगा। तो क्या होता है ये डेटा सेंटर? ये वो जगह होती है जहां डिजिटल डेटा को सुरक्षित तरह से स्टोर किया जाता है और डेटा की प्रोसेसिंग के लिए सर्वर लगाए जाते हैं। यहां से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और वो भी हर तरह के वायरस या दूसरे खतरों से सुरक्षित रखते हुए। जब भी किसी कंपनी को डेटा की जरूरत होती है तो कानून के तहत उसे मुहैया करा दिया जाता है। इस डेटा सेंटर की किले नुमा चाक चौबंद सुरक्षा है यहाँ की खासियत। यहाँ पहुंचने वाले विजिटर्स को सुरक्षा बैरियर से गुजरना होगा, साथ ही इंटरनल हाई लेवल सिक्योरिटी पर खास नजर रखनी होती है ताकि कोई भी घुसपैठिया साइबर हमला करके डेटा को नुकसान न पहुंचा सके। इस डेटा सेंटर का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है और योटा D1 का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 2024 तक 2 और टावर तैयार हो जाएंगे। करीब 20 एकड़ में फैले इस डेटा सेंटर पार्क में 6 बिल्डिंग प्रस्तावित हैं जो 3,00,000 स्क्वायर फीट एरिया में बनेंगे। ये 6 इमारतें एक दूसरे से जुड़ी होंगी और यहाँ करीब 30,000 रैक होंगी। खास बात यह है कि इस डेटा सेंटर में 48 घंटे बिजली की निर्बाधित पावर बैकअप की व्यवस्था है। इस डेटा सेंटर के लिए 240 मेगावाट बिजली चाहिए होगी। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड NPCL ने इस काम को एक चुनौती के तौर पर लिया है। एक अंदाजे के तौर पर पूरे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सभी सोसाइटीज, स्कूल और मॉल्स को मिलाकर कुल 150 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जबकि इस डेटा सेंटर के लिए ही 250 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी और इसके लिए अलग से लाइन डाली जा रही है। उत्तर भारत का यह पहला ऐसा डाटा सेंटर है जो किसी भारतीय के द्वारा बनाया गया है और वह भी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य में बनाया गया है। मैं इसके लिए हीरा नंदानी ग्रुप को अपनी पूरी टीम की ओर से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं।